साथियों गलत डॉक्यूमेंट की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। और ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो अभी तक हमारे बने नहीं है और कईयों साल पुराने हमारे डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट हमको आज ही बनवा लेने हैं, क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट भी नहीं हुए तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर एक अच्छी सी उम्मीद मिल गई है, खुशी की लहर मिल गई है ना, खुशी की खबर मिल गई है। अब बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, तो चलो हम देखेंगे आने वाले समय में भर्ती हमारी आने वाली है, लेकिन डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ना हुए तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा सिलेक्शन क्यों रुकेगा? भाई रुकेगा, क्यों रुकेगा? क्योंकि भर्ती का कुछ पता नहीं है। भर्ती आपकी आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है ना। एक नोटिफिकेशन अपलोड करने की देर है और भर्ती आपकी आ जाएगी, बिल्कुल आप परेशान ना हो, ठीक है। जैसा कि साथियों अब बात आती है डॉक्यूमेंट की, कि मैम कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो हाई स्कूल और ट्वेल्थ सबके लिए कंपल्सरी है, हाई स्कूल और ट्वेल्थ सबके लिए कंपल्सरी है, टेंथ ट्वेल्थ ठीक है, जनरल वाला बंदा हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, सबके लिए टेंथ पास होनी चाहिए और ट्वेल्थ होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है दिमाग में वो ये आता है कि बताइए आवेदन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आवेदन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई करवाते हो ना, तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? हाई स्कूल, ट्वेल्थ और बात कर लेते हैं फोटो, एक फोटो लगता है, लेकिन आपको अपने फोटो कितने खिंचवा के रखने हैं, कम से कम 30 फोटो खिंचवा के रख लेना। और ये मत सोचना कि भाई मेरा एक साल पहले का फोटो है, मैं तो इसको लगाऊंगा या लगाऊंगी, भाई दिक्कत आपको होगी। आप तुरंत वाला, रिसेंटली वाला फोटो लगाइए, जिससे कि आप अच्छे तरीके से पहचान में आ पाए, ठीक है। फोटो आपका हाल ही का हो, एक महीने पुराना चल जाएगा लेकिन एक साल पुराना नहीं चलेगा, ठीक है। फोटो, फोटो के बाद अब बात कर लेते हैं आधार कार्ड की, आधार कार्ड या वोटर कार्ड, ये तो कंपलसरी है आपका आधार कार्ड। और ये जो आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं ऑनलाइन होने के समय, ये आपके ओरिजिनल लगते हैं, मतलब फोटोकॉपी से काम हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपके ऐसा होता है कि ओरिजिनल भी स्कैन करा लिए जाते हैं। अब बात करते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट किसके लिए है, तो ये है ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ठीक है, जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। अब बात करेंगे कि ये कास्ट सर्टिफिकेट है लेकिन इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो इसमें लगेगा आपका जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जाति प्रमाण पत्र तो हमारे पास 2 साल पुराना है, हम उसको लगा दें? नहीं, आप उसको मत लगाइए, हमको रिस्क नहीं लेना। कैसा भी, 1 अप्रैल 2023 के बाद का अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, 1 अप्रैल 2023 का या 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आप लगा सकते हो। अगर इससे पहले का है तो तुरंत आज ही दुकान पर जाइए और बनवा लीजिए, ठीक है, नहीं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा और जनरल के बराबर आपकी मेरिट जाने वाली है। क्या आप चाहते हो कि आपकी मेरिट जनरल के बराबर जाए? नहीं चाहते तो आज ही दुकान पर जाइए और बोल दीजिए कि हमारे लिए बना दो कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। लेकिन स्पेशल ओबीसी एससी और एसटी वालों के लिए है, ये नहीं कि जनरल वाले चले जाए, भाई हमारा बना दो, उनका नहीं बनेगा। अब बात करते हैं डोमिसाइल,
ये डोमिसाइल क्या ओबीसी एससी एसटी के लिए है? नहीं, मूल निवास, ये है मूल निवास। मूल निवास सबके लिए है, चाहे जनरल का हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ठीक है, सबके लिए कंपलसरी है। 1 अप्रैल 2023 का हो या उसके बाद का आपके पास है तो आपका मूल निवास भी ठीक है। अगर इससे पहले का है तो मूल निवास को भी बनवा लो, नहीं तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन रुका है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। जब आपको समझाने वाले काफी हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप समझ जाइए, ठीक है। अब बात करते हैं अदर स्टेट वाले क्या करें, उनको कुछ नहीं करना, काफी परेशान हो जाते हैं, चाहे कोई वेस्ट बंगाल का हो या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का हो, किसी भी राज्य का हो, है ना, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, किसी भी राज्य का, वो यूपी पुलिस की भर्ती को देख सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है, वो ये कंडीशन है कि उस बच्चे को, जो अदर स्टेट वाला बच्चा है, उस बच्चे को सामान्य कैटेगरी में रखा जाएगा, सामान्य कैटेगरी में रखा जाएगा, चाहे वो ओबीसी का है, चाहे एससी का है, चाहे एसटी का है, ठीक है। कंडीशन यही है कि सामान्य वर्ग के बच्चे की जितनी कट ऑफ जाएगी, वो अदर स्टेट वालों की भी उतनी जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन समझ गए। अब क्या सिर्फ यूपी वालों के लिए ही भर्ती है? नहीं, ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वाले भी इस भर्ती को देख सकते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपके फॉर्म ऑनलाइन होने के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि डीबीपीएसटी में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। साथियों, मैंने अभी आपको ये तो बता दिया कि आपके जब फॉर्म ऑनलाइन होते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अब देखो, आपके ऑनलाइन फॉर्म हो गए, ऑनलाइन फॉर्म होने के 2 महीने बाद एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के 1 महीने बाद आ गया रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट डीबीपीएसटी के लिए आता है। डीबीपीएसटी, डीबी क्या होता है? डीबी होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और पीएसटी क्या होता है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन है इनकी, मैं बताती हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है, फिर पीएसटी होता है, फिर इसके बाद आपका फिजिकल होता है, रनिंग होती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? 10th 12th फोटोकॉपी लगेगी, ठीक है, 10th की फोटोकॉपी, 12th की फोटोकॉपी और आधार कार्ड की फोटोकॉपी। फोटोकॉपी आप 10-10 करा के रख लीजिए, इसकी भी क्योंकि काम आने वाली है, ठीक है। और फोटो, 2 फोटो, वोटर कार्ड भी आप लेके चलिए साथ में, वोटर कार्ड या पैन कार्ड भी बनवा लेना, ठीक है, आने वाले समय में जरूरत देगा आपके लिए पैन कार्ड, ठीक। अब बात करते हैं, ये डाटा हो गया अदर स्टेट वालों का और जनरल वालों का। अब ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो ओबीसी एससी एसटी की उनका वो लग जाएगा, क्या लग जाएगा? कास्ट सर्टिफिकेट। और डोमिसाइल सबके लिए है, डोमिसाइल मूल निवास, डोमिसाइल मूल निवास सबके लिए है, ठीक, ये कंडीशन समझ गए। अब ईडब्ल्यूएस वाले परेशान है, ईडब्ल्यूएस वाले जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति होते हैं, जिनकी आय कम होती है, वो बनवाते हैं अपना ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो आय का सर्टिफिकेट बनता है, आय सर्टिफिकेट, ये कब से कब तक होना चाहिए? अगर जिनके पास 1 अप्रैल 2023 का है या इसके बाद का है तो चल जाएगा, अगर इससे पहले का है तो ईडब्ल्यूएस वाले अपना आय वाला सर्टिफिकेट बनवा लें, ठीक है। पीएसटी की बात करें तो यहां आपकी
हाइट मापी जाती है कि आपकी हाइट कितनी है मेल फीमेल की, और मेल की चेस्ट मापी जाती है, ठीक है, मेल की, फीमेल की नहीं, ओनली मेल की, और ये दोनों की है, बोथ लिख दिया है मैंने, बोथ मीन्स दोनों। और बात करें वेट, वेट सिर्फ फीमेल का, वेट मापते हैं फीमेल का, ओनली फीमेल का, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेडिकल के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं जिससे आपके सारे डाउट एक ही वीडियो में खत्म हो जाएं। मैं आपको ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी कि आप ये सोचें कि दीदी आपने हमें ये नहीं बताया। इस वीडियो में हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आपको बताऊंगी, ठीक है, परेशान नहीं होना। अब मैं बताऊंगी कि मेडिकल के समय आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। साथियों जान लीजिए कि मेडिकल के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। मेडिकल के समय लगने वाले दस्तावेज, दस्तावेज या डॉक्यूमेंट, ठीक है, सारे डाउट एक ही वीडियो में फिनिश। देखो बात कर ले जनरल की और अदर स्टेट वालों की, अदर स्टेट वालों की, तो देखो मूल निवास तो कंपलसरी है, मूल निवास कंपलसरी है सबके लिए, ये हैं आपके ओबीसी, एससी, एसटी और ये ईडब्ल्यूएस, ठीक है, मूल निवास सबके लिए कंपलसरी है, मूल निवास, मूल निवास, ठीक है, सबके लिए कंपलसरी है। अब बात करें क्या टेंथ सबके लिए कंपलसरी है, बिल्कुल है, टेंथ सबके लिए कंपलसरी है, ट्वेल्थ भी कंपलसरी है, ठीक है, टेंथ ट्वेल्थ, टेंथ ट्वेल्थ, ठीक है। अब बात करें ओबीसी एससी एसटी, इनके लिए क्या कंपलसरी है, इनके लिए कंपलसरी है जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, हो गया। अब बात करें आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड कंपलसरी है, आधार कार्ड के साथ साथ आप पैन कार्ड भी बनवा लेना, ठीक है, पैन कार्ड, ठीक है, हो गया, यहां भी आधार और पैन, यहां भी आधार और पैन, ये सारी चीजें कंपलसरी हैं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे क्या इतने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, नहीं। अब देखो इन तीनों के लिए और क्या कंपलसरी है, अब इन तीनों की बात हो रही है, तीनों चारों की बात हो रही है, ठीक है, तो मैं सबके लिए यहां लिख रही हूं, तो क्या क्या कंपलसरी है, देखो शपथ पत्र, शपथ पत्र कचहरी से बन जाएगा, ठीक है, 150 या 200 रुपए का, वो कंपलसरी है, सबके लिए कंपलसरी है, ये तो मतलब किसी के लिए कंपलसरी था नहीं था, तो ये कंडीशन मैंने यहां लिखी है, शपथ पत्र सबके लिए कंपलसरी है। अब बात करते हैं अगर कोई बच्चा, अगर कोई बच्चा, अगर कोई भाई या बहन हमारे अदर स्टेट वाले हैं, तो वो ऐसा ना करें कि वो यूपी का डोमिसाइल बनवा लें। जांचें होती हैं, आपको बिल्कुल भी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, आप ऐसे काम ना करें। आप अगर हरियाणा के हैं तो हरियाणा का मूल निवास ही लगाएं, पश्चिम बंगाल के हैं तो वहीं का मूल निवास लगाएं, ठीक है। अब बात करते हैं कि टेंथ आपने कहीं से भी की हो, या ट्वेल्थ आपने कहीं से भी की हो, या आपके पास बीए हो, है ना, किसी भी कॉलेज, ये तीनों कंडीशन लिख दी है। अगर आपने किसी भी कॉलेज से टेंथ ट्वेल्थ या बीए किया है, कॉलेज या स्कूल, तो वहां से आपको क्या करवाना है, एक एप्लीकेशन लिखवानी है, एप्लीकेशन लिखवानी है, उस एप्लीकेशन पर जो भी प्रिंसिपल है,
प्रिंसिपल, उसके साइन होने चाहिए प्लस स्कूल की या कॉलेज की मोहर होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए, यहां तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी आपको। ठीक है, अब आप देख लीजिए, ये क्लियर हो गया स्कूल या कॉलेज वाला मैटर। एक एप्लीकेशन लिखवानी है, इस पर साइन या मोहर। अब बात करते हैं, शपथ भी हो गई, अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी बच्चा शहरी है तो वो सभा पद से, सॉरी सभासद से, और कोई बच्चा ग्रामीण है तो वो अपने प्रधान से एक एप्लीकेशन लिखवाएगा, एक एप्लीकेशन लिखवाएगा, उस एप्लीकेशन पर साइन और मोहर लगवाएगा। ठीक है, ये आपके मेडिकल के समय लगने वाले डॉक्यूमेंट हैं। ये कंडीशन समझ गए। अब एक कंडीशन और आती है, जहां भी आपका, जैसे आप किसी भी थाने के समीप रह रहे हैं, आपके क्षेत्र में कोई थाना पड़ रहा है, जहां भी आप रह रहे हैं, तो आपको उस थाने से एक एप्लीकेशन पर साइन करवानी है प्लस मोहर लगवानी है। ठीक है, इतने जो दस्तावेज हैं ये लगते हैं आपके मेडिकल के समय। एक और रह गया, बताती हूँ, दो संभ्रांत, इनको लिखती हूँ यहाँ पर। ठीक है, दो संभ्रांत व्यक्ति, ये कौन होते हैं? ये होते हैं, दो संभ्रांत व्यक्ति होते हैं, जैसे हमारे मोहल्ले के दो ऐसे व्यक्ति जिसको हम अपनी एप्लीकेशन पर साइन करने का हक दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई कागज लिया, हमको मिलता है DVPST के टाइम, अगर कोई भी बच्चा पास हो जाता है तो आगे प्रोसेस चलता है वो मेडिकल में, दो संभ्रांत व्यक्तियों के साइन करवाएगा और फोन नंबर लिखवाएगा। संभ्रांत व्यक्ति होते हैं आपके मोहल्ले वाले, ठीक है, जो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, उनके साइन लगेंगे प्लस फोन नंबर। इतना डाटा आपके मेडिकल के समय जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट क्लियर किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।